Good morning, everyone. Today, we are going to see our second video for the chapter 2nd of class 7. Okay, so in subject biology, we will see different ways of taking food. Chapter is the nutrition in animals. Okay, and in that, we are going to see different ways of taking food. कैसे भोजन को लेने का तरीका है, कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा भोजन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि वह कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके कौन कौन से फूड हैं, और फिर ये देखेंगे कि वो भोजन को कैसे लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने बीज को देखा है, बीज हनी बी, हमने हमिंग बर्ड को देखा है। ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों तो अलग अलग जीव है, लेकिन इनके अंदर कॉमन है दे सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, अर्थात ये सक करते हैं नेक्टर को प्लांट्स के, जिससे उनका भोजन प्राप्त होता है। सेकंड है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब बेबी ऑफ ह्यूमन, मानव के बच्चे, वो क्या करते हैं? दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, मां के दूध से वो उनका पालन पोषण होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पाइथन, दैट इज अ टाइप ऑफ अ स्नेक, वी सी दे स्वैलो देयर प्रे, जिसको वो भोजन जो उनका हो सकता है, जो उनका शिकार होता है, उसको वो निगल जाते हैं सीधा। ओके, और अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की, तो उनका क्या भोजन है? वो जहाँ रहते हैं उनमें से चीजों को वह उसको छानते हैं, उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं टाइनी पार्टिकल्स को, और फिर उसको सक कर जाते हैं। ओके, सो आपने ये डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स देखे जो आपने पहले से जानते थे, जिन्हें आपने इसको बस रिवाइज किया है। अब हम बात करेंगे कुछ आपके चैप्टर्स के बारे में, जो चैप्टर में दिया गया है। एक टेबल आपके चैप्टर में है उपलब्ध, जिसको आपने देखा है, जहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एनिमल, देयर टाइप्स ऑफ फूड, व्हाट दे ईट, एंड देयर मोड ऑफ फीडिंग, कैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो वी विल सी स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा, जो कवर जो होता है एनिमल स्नेल, वह इंसेक्ट्स को खाता है, उसका भोजन जो है इंसेक्ट्स है, और उस भोजन को लेने का माध्यम उसका स्क्रैपिंग है। ओके, स्क्रैपिंग याद रखेंगे आप लोग, स्क्रैपिंग। सेकंड है एंट, आपने देखा होगा नन्ही छोटी चींटी, लाल और अलग अलग कलर की, ये ग्रेन्स खाती है आपके घरों में, अनाज जहाँ अनाज हो वहाँ पे ये जाती है। और इनका तरीका है लेने का दो, एक तो स्क्रैपिंग करती है ये उन्हीं के जैसे, और दूसरा च्यू करती है। इनके अंदर च्यू करने के लिए आप देखा होगा तो उसके पास आगे दांत जैसे होते हैं नुकीले। फिर उसके बाद है ईगल, ईगल आपने देखा होगा खास करके जो भी नियर बाई रिवर्स हैं या फिर पॉन्ड्स के आसपास में जिनका घर वगैरह देखे होंगे, है ना, वो ईगल्स आती हैं और फिश को वहां से ले जाती हैं, ले होती हैं। वो फिश को क्या करती हैं? दे कैप्चर और दे सैलो, उसे निगल जाती हैं या फिर उसको कैप्चर करती हैं। फिर आती है बात हमिंग बर्ड की, जो मैंने पहले बता दिया आपको, वो नेक्टर लेती हैं बाई सकिंग, बाई द प्रोसेस ऑफ सकिंग। तो सकिंग क्या है? उनका मोड ऑफ फीडिंग है। फिर है लाइस, जो आपके बालों में हो जाता है, और वो क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं, सकिंग हो जाता है इसका। फिर आती है बात मॉस्किटो की, जो क्या है? वो भी ब्लड लेती है, सकिंग के द्वारा ही उसका भी भोजन मिलता है ना। बटरफ्लाई, वह भी नेक्टर लेती है सिफोनिंग के द्वारा, इसे कहते हैं सिफोनिंग, याद रखना है सिफोनिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपना भोजन को लेने का तरीका है। फिर है हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी है, वह लिक्विड फूड को लेती है, हमारे भोजन पर बैठ जाती है, और वो तरीका जो है भोजन का उसे स्पॉन्जिंग करते हैं। तो आपने समझा अलग अलग जीवों के अंदर में भोजन कौन कौन से हैं, उनके लेने का फीडबैक क्या है, और किस प्रकार से वो लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग। ओके, और अगले कक्षा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इन स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, ओके, एंड हाउ दे टेक। Okay, so thank you and have a nice day.